स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 21 अप्रैल 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीस है आज की सबसे बड़ी खबरें। पांगी घाटी में 10 करोड़ से स्थापित होगी 400 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं। प्रदेश के जनजातीय जिला चंबा के पांगी उपमंडल में 400 किलोवाट की दो सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए राज्य नोडल एजेंसी हिमऊर्जा को इन परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरित की गई है। हिमऊर्जा ने इन दो सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पांगी घाटी के हिलोर और धरवास में एक एक हेक्टेयर भूमि चिन्हित की है। लगभग 10 करोड़ की लागत से इन परियोजनाओं के लिए एजेंसी ने विभिन्न औपचारिकताओं को पूर्ण करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने हिमऊर्जा को इन दोनों सौर ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि पांगी में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सौर ऊर्जा आधारित बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए वर्ष 2023-24 के बजट में प्रावधान किया गया है। ये परियोजना क्षेत्र के लोगों को खराब मौसम और भारी बर्फबारी के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। बागवानों का पैसा नहीं लौटाने वाले आढ़तियों को SIT ने जारी किया नोटिस। पूर्व में बागवानों से ठगी करने वाले 6 आढ़तियों को पुलिस SIT ने नोटिस जारी किया है। इन आढ़तियों ने बागवानों से सेब खरीदकर पैसे का भुगतान नहीं किया है, ऐसे में उन्हें कार्यालय तलब किया है। सूचना के अनुसार 70 से 75 मामलों की जांच पूरी कर चालान अदालत में पेश किया जा चुका है। इसके साथ ही SIT ने अब तक 18 करोड़ से अधिक की राशि बागवानों को लौटाने में सफल रही है। SIT के समक्ष जांच के दायरे में चल रहे जिन आढ़तियों ने बागवानों की राशि वापस देने की बात मानी है, यदि वे तय समय में राशि नहीं लौटाते तो उनकी गिरफ्तारी भी तय है। द्रौपदी मुर्मू ने की राष्ट्रपति निवास लोगों को खोलने की आधिकारिक घोषणा, ऑनलाइन होगी बुकिंग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को मुसौवर स्थित राष्ट्रपति निवास को आम जनता के लिए खोलने की आधिकारिक घोषणा की है। इसे पूर्व में प्रेसिडेंशियल रिट्रीट कहा जाता था। आगामी 23 अप्रैल से आम लोग राष्ट्रपति निवास में भ्रमण कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए शुल्क लगेगा, जबकि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी मुफ्त में यहाँ जा सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग 15 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। हिमाचल में 281 नए कोरोना पॉजिटिव मामले, सक्रिय मामले 1659। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 281 नए मामले सामने आए हैं। 294 लोग कोरोना संक्रमण को मात देकर ठीक भी हुए हैं। गुरुवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 4,235 लोगों के सैंपल लिए गए। कोरोना के नए मामलों में जिला कांगड़ा 108, मंडी 44, शिमला 24, हमीरपुर 21, बिलासपुर 20, सोलन 18, सिरमौर 13, ऊना 12, चंबा और कुल्लू में 10-10 और किन्नौर में एक व्यक्ति संक्रमण का शिकार हुआ है। इस बीच रात की बात यह कि हिमाचल में कोरोना संक्रमण के मामले घटने लगे हैं। हिमाचल में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,659 रह गई है। बीते सप्ताह इन मरीजों का आंकड़ा 2,000 के पार हो गया था। पेपर लीक मामला, चपरासी मदनलाल की जमानत याचिका पर फैसला 24 अप्रैल को। भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के चपरासी मदनलाल की जमानत पर वीरवार को जिला एवं सत्र न्यायालय हमीरपुर में बहस हुई है। न्यायाधीश ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अब 24 अप्रैल को फैसले की तारीख तय की है। आरोपी चपरासी मदनलाल, उसके बेटे विशाल चौधरी, भतीजे दिनेश कुमार और एक अन्य चपरासी के खिलाफ पोस्ट कोड 939 JYT भर्ती के दौरान OMR सीट से छेड़छाड़ करने के आरोप में मामला दर्ज है। ट्रांसफर, 11 तहसीलदारों के तबालादेश जारी, अशोक भरमौर से हमीरपुर ट्रांसफर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 11 तहसीलदारों के तबादले किए हैं। प्रधान सचिव राजस्व ओमकार चंद शर्मा ने वीरवार को तबालादेश जारी कर दिया है। जगपाल सिंह को नेरवा से कसोली, जय सिंह को पू से सिलाई, हरीश कुमार को जोगिंद्रनगर से बैजनाथ, भावना वर्मा को बैजनाथ से जोगिंद्रनगर, मनमोहन जिष्ट को कसोली से शिमला, राजेंद्र सिंह को कोपवी से कंडा घाट, अमन कुमार को कंडा घाट से कोपवी, अशोक कुमार को भरमौर से हमीरपुर, राजीव रांटा को संग्रा से सोलन और विपिन ठाकुर को श्री नैना देवी स्वार घाट से गनेरी ट्रांसफर किया गया है। MS रामचंद्र राव होगी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए चीफ जस्टिस।
एमएस रामचंद्र राव हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश हो गए। न्यायमूर्ति अमजद सैयद की सेवानिवृत्ति के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने न्यायमूर्ति न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव के नाम की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव को 29 जून 2012 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूलों में मुफ्त मिलेगी प्रैक्टिकल पुस्तकें। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में सरकारी स्कूलों में नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रैक्टिकल पुस्तकें आवंटित की जाएगी। विद्यार्थियों को स्कूलों में पाठ्यक्रम की पुस्तकों के साथ ये पुस्तकें भी वितरित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड हमीरपुर के हाथली खड स्थित पुस्तक वितरण केंद्र की ओर से मार्च के प्रथम सप्ताह में ही खंड स्तर पर इन प्रैक्टिकल पुस्तकों का आवंटन करवा दिया गया है। शीघ्र ही स्कूलों में नौवीं कक्षा की 13,953 प्रैक्टिकल पुस्तकें विद्यार्थियों को आवंटित कर दी जाएगी। संतोष कुमार पटियाल हो गए आईजी इंटेलिजेंस, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिविल सर्विस बोर्ड की सिफारिशों पर आईपीएस अधिकारी संतोष कुमार पटियाल के तबादला जारी की है। पटियाल को आईजी खुफिया एवं सुरक्षा धर्मशाला के पास से आईजी इंटेलिजेंस शिमला तैनात किया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने गुरुवार को अधिसूचना जारी की है। लाहौलपांगी में हिमस्खलन, बारिश से गेहूं बर्फबारी से सेब को नुकसान, प्रदेश में 63 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच गुरुवार को बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी से काफी नुकसान हुआ है। लाहौल में 10 और पांगी में एक जगह हिमस्खलन हुआ है। मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं, मटर, खुमानी, पलम, आड़ू और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से सेब की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। चंबा शहर के मोहल्ला सपड़ी में धंसा पार्क का डंगा, स्कूटी और मोटरसाइकिल मलबे में दबे। चंबा शहर के बीचों बीच स्थित मोहल्ला सपड़ी में पार्क का डंगा धस जाने के कारण एक स्कूटी व एक मोटरसाइकिल जमींदोज हो गया है। गनीमत यह रही कि हादसे के समय कोई भी राहगीर वहां से नहीं गुजर रहा था, अन्यथा बड़ा नुकसान भी हो सकता था। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय अक्सर स्कूली बच्चे इस मार्ग से गुजरते हैं। फिलहाल प्रशासन द्वारा मलबा हटाकर मार्ग को आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है। सर्किट हाउस की छत से गिरकर एएसआई की मौत, राष्ट्रपति की इमरजेंसी ड्यूटी में थे तैनात। सोलन के चंबा घाट सर्किट हाउस की छत से गिरकर एएसआई विनोद भागटा की मौत हो गई है। एएसआई विनोद राष्ट्रपति की इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात थी, छत पर चढ़कर सुरक्षा का जायजा ले रहे थे। इस दौरान पैर फिसल गया और नीचे जा गिरे। सिर में गहरी चोट लगने के कारण भी गंभीर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। उपचार के दौरान विनोद ने दम तोड़ दिया। एसपी वीरेंद्र शर्मा ने घटना की पुष्टि की है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर न्यायिक अकादमी बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर को हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी मुख्य संरक्षक बनाया गया है। न्यायिक अकादमी के शासक मंडल का गठन भी किया गया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर को अकादमी के शासक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान, न्यायाधीश अजय मोहन गोयल, न्यायाधीश संदीप शर्मा, महाधिवक्ता, प्रधान सचिव गृह, प्रधान सचिव वित्त और हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी के निदेशक को इसका सदस्य बनाया गया है। एचआरडीसी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने खोज चलाकर किया इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल। एचआरडीसी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने धर्मशाला डिपो के लिए आई इलेक्ट्रिक बसों की सुविधाओं को स्वयं जांचा। इस दौरान उन्होंने स्वयं बस चलाकर इसका ट्रायल किया। उन्होंने धर्मशाला बस स्टैंड से लेकर माता कुणाल पथरी मंदिर तक बस चलाई और इस दौरान बस में मौजूद कंपनी के पदाधिकारियों, टेक्निकल स्टाफ से बस में दी गई सुविधाओं की जानकारी दी। गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन सभी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते मुख्यमंत्री का दौरा स्थगित होने के चलते शुभारंभ कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। वहीं धर्मशाला पहुंचे एमडी ने सभी बसों को जांचा और स्वयं एक बस को चलाकर भी देखा। पंजाब रोडवेज की बस से मंडी का युवक 17.32 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर जिला पुलिस की एसआईयू टीम ने पंजाब रोडवेज की बस में सवार धर्मपुर मंडी के युवक से बनेर में 17.32 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। टीम ने आरोपी को सवार घाट थाना को सौंप दिया है।
आरोपी की पहचान विक्की कुमार उमर 29 गांव ग्योन डागर और तहसील धर्मपुर मंडी के रूप में हुई है। सेब पैकिंग के लिए 24 किलो की शर्त मानने से संयुक्त किसान मंच का इनकार। सेब पैकिंग के लिए अधिकतम 24 किलो की शर्त मानने से संयुक्त किसान मंच ने इनकार कर दिया है। मंच का दावा है कि 24 किलो पैकिंग करने पर निर्धारित से एक ग्रेड ऊपर पैकिंग होगी, जिससे बागवानों को नुकसान जबकि खरीदार को 4 किलो का सीधा फायदा होगा। मंच की मांग है कि पैकिंग के लिए 20 किलो का अंतर्राष्ट्रीय मानक लागू होना चाहिए। प्रदेश में सेब खरीदने वाली अदानी सहित अन्य निजी कंपनियां भी 20 किलो के पैक में सेब बेच रही है, जो 2200 से 2800 रुपए में बिक रहा है। जब निजी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सेब बेचकर मुनाफा कमा सकती है, तो बागवानों को इससे वंचित क्यों किया जा रहा है। कुदरत का कहर, नरवाना में आसमानी बिजली गिरने से 200 भेड़ बकरियों की मौत। कांगड़ा जिले में पिछले 3 दिनों से जारी बारिश व तूफान के कारण किसानों और बागवानों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं बुधवार रात को आसमानी बिजली गिरने से नरवाना में करीब 200 भेड़ बकरियों की मौत हुई है। इस वजह से भेड़ पालक निकू निवासी नरवाना को करीब 6 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। पंचायत प्रधान नरवाना सरिता देवी ने जिला प्रशासन से पीड़ित को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आ रही, अगर आपको लगता है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, उसकी नोटिफिकेशन नहीं आ रही, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक छोटी सी बेल आइकन घंटी आती है, उसको आप प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही कोई जानकारी हम आपको देते हैं, उसकी जानकारी अपडेट्स आपको सबसे पहले आपके फोन पर आएगी।